सभी को गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। देखिए आज भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स चल रहा है, और आज एक बहुत ही अच्छा चीज पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा को आप समझ भी सकते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में भी आ जाएगा, लेकिन बुलियन अलजेब्रा में अलजेब्रा नाम क्यों रखा गया है ये चीज समझने के लिए आपको थोड़ा सा सेट थियरी अगर आए तो आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, सेट थियरी जितनी आती है उससे बहुत मजेदार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आखिर अलजेब्रा के रूल्स जो होते हैं वो बिना सेट के डिफाइन नहीं होते हैं, कोई ना कोई सेट लीजिएगा तभी आपके रूल्स होंगे। तो बुलियन अलजेब्रा में कौन सा सेट है ना, कौन सा सेट है और किस तरह से इसको डिफाइन किया गया है, कौन कौन से रूल्स हैं, ठीक है, इन सारी चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। बहुत इजी इजी रूल्स हैं और आप बस 1010 समझते जाइए, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, आप एकदम इसको आराम से समझ जाइएगा। एक और बात कि ये कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा नहीं है, है ना, कि बुलियन अलजेब्रा के रूल्स बताइए, ये कभी नहीं पूछता है। हाँ, डी मॉर्गन्स लॉ पूछता है, डी मॉर्गन्स लॉ का प्रूफ पूछता है, 4.5 नंबर का क्वेश्चन बनता है, या फिर कभी कभी डी मॉर्गन्स लॉ पूछ देता है दोनों का दोनों, और वो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा रूल्स से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वेश्चन आता है रूल्स पे बेस्ड कुछ इक्वेशन के सोल्यूशन पर, है ना। कोई इक्वेशन आपको दे देगा, उस इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होगा, या फिर उस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग सिंप्लीफाई करके ट्रूथ टेबल से उसको वेरीफाई करना होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, आइए देखते हैं आज का टॉपिक जो है वो है बुलियन अलजेब्रा। देखिए जॉर्ज बूल है ना, जॉर्ज बूल, इन्होंने ही हम लोग कहते हैं 1950s के आसपास, है ना, 1950s के आसपास ये बुलियन अलजेब्रा पूरा इसके रूल्स दिए थे, है ना, नॉट एग्जैक्टली पर 1950s, 1854 में दिया था। पक्का है 1950s, 90s होगा या 80s होगा, आई डोंट रिमेंबर, है ना, बस हमको पता है मिड में दिए थे, मिड 19th सेंचुरी दिए थे। अच्छा हाँ, 19th सेंचुरी में दिए थे, 19th सेंचुरी, 1850, थैंक यू, 1854 में दिए, ठीक है, 19th सेंचुरी, 1854 में इन्होंने दिया था बुलियन अलजेब्रा। ठीक है, बुलियन अलजेब्रा में कुछ आपको जानना नहीं है, सीधे कौन कौन से इसके रूल्स हैं, कौन कौन सा रूल बुलियन अलजेब्रा फॉलो करता है, आइए इसको देखते जाते हैं और उसको प्रूफ करते जाएंगे, देखते जाएंगे लॉजिकली कि ये कैसे कैसे इसको लिख दिया गया, क्यों लिख दिया गया। ठीक है, आइए देखते हैं, ब्लर है क्या, तो जैसे अलजेब्रा के आप रूल्स देखते हैं, अलजेब्रा में कौन कौन से रूल्स होते हैं, आप क्या करते हैं, कोई भी सेट डिफाइन किए, है ना, कोई भी सेट आपने डिफाइन किया, तो ये सेट कैसे कैसे रूल्स फॉलो करता है, ये सेट कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ऐसे आप रूल्स देखते हैं ना, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, ठीक है, और क्या होता है, यूनिटी रखता है कि नहीं रखता है, है ना, इसमें जीरो होता है कि नहीं होता है, ये सारी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी सेट में डिफाइन करते हैं, और यही सारे सेट के ये रूल्स बनते जाते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये सेट का अलजेब्रा है। ठीक, ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि बुलियन अलजेब्रा क्या है और आपका बाइनरी नंबर का जो सेट है वो कौन कौन से रूल फॉलो करता है। ठीक है, तो सबसे पहला जो रूल है वो है लॉ ऑफ यूनियन। ठीक है, लॉ ऑफ यूनियन, लॉ ऑफ यूनियन जो है वो नंबर 1 रूल है, पहला रूल है, इसमें इसमें 2 लॉज है, लॉ 1, बस ऐसे ही लिखते जाना है ना, बस आपको समझना है कि ये लॉ क्या है। आप देखिए कोई 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 आपका वेरिएबल है ए, उसमें आपने ए 1 जोड़ा तो रिजल्ट क्या है। ठीक है, कोई वेरिएबल है, मान लीजिए आप कोई इनपुट दे रहे हैं, उसमें आप 1 जोड़ रहे हैं, 1 जोड़ रहे हैं, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आपका पहला लॉ बताता है। ठीक, तो इसका हम लिख देते हैं कि इसका आउटपुट आएगा 1, ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, 1 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब सवाल है कैसे, सवाल है कैसे आएगा। ठीक, अब देखिए आप इसको आराम से प्रूफ कर सकते हैं, आप ट्रुथ टेबल इसका बना लीजिए, ट्रुथ टेबल बनाएगा तो क्या आएगा, ए एक इनपुट है और ए प्लस 1 एक और गेट लगा है, एक और गेट लगा है जिसका एक इनपुट ए है और एक इनपुट 1 है ना, एक इनपुट ए है एक इनपुट 1 है, अब आप ए लिख दीजिए, यहाँ 1 लिख दीजिए और इसका आउटपुट लिख दीजिए वाई। अब ए क्या हो सकता है, ए 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, म्यूट कर लीजिए, कौन है, आदित्य पांडे, चलिए देखिए ए क्या क्या हो सकता है, ए या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है, और 1 क्या हो सकता है, 1 तो 1 ही रहेगा। ठीक, 0 और 1, 0 और 1, 0 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 प्लस 1 क्या आएगा, 1 आएगा, क्लियर है, ए में आप 1 जोड़िए तो हमेशा 1 ही आएगा, ए में 1 जोड़िए तो हमेशा 1 ही आएगा, क्लियर है, समझ में आ रहा है, ये टाइप समझ में आ रहा है ना, कैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, ऐसे सर, ये सर ए कुछ भी हो 1 आएगा, और गेट हो, हाँ 1 आएगा। ठीक है, और गेट की कंडीशन ही होती है कि आपको एक इनपुट 1 चाहिए, एक इनपुट 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। ठीक, इसको आप लिख भी सकते हैं,
ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब देखिए, हाँ हाँ अभी शुरू कर रहे हैं भाई, अभी सब बता रहे हैं। लॉ टू, दूसरा लॉ। अब आप ए में जीरो जोड़िए, ठीक है, ए में आप जीरो जोड़िए, यानी ए और जीरो, ए और जीरो, ए और जीरो कीजिएगा तो क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा? ए आएगा। कैसे ए आएगा, कैसे ए आएगा, देखिए यहाँ जीरो जोड़ दिए, ठीक है, जीरो जोड़ दिया तो क्या आएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो। अब देखिए जीरो और जीरो क्या आएगा, जीरो। और वन और जीरो, वन और जीरो क्या होता है, वन। देखिए जो ए था वही आपका वाई आ गया, वाई किसके बराबर आ गया, ए के बराबर। क्लियर है? यानी कि आप किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में, नंबर मतलब ये नंबर ही है, जीरो है या तो वन है, किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़िए तो वही नंबर आ जाता है, आ जाता है कि नहीं आ जाता है, किसी भी नंबर में आप जीरो जोड़िए तो वही नंबर आ जाता है, ठीक है। आप इसको ट्रुथ टेबल से समझ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे ये समझने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, धीरे धीरे आपको ना ये सारी चीजें लॉजिकल लगने लगेंगी, लॉजिकल ही है, सारा लॉजिकल ही है। अगला देखिए, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, यूनियन क्यों बोला गया, यूनियन क्यों क्यों बोला गया, ठीक है, यूनियन इसलिए बोला गया है कि देखिए आप ये, आप इसको और इसको यूनाइट कर रहे हैं, ठीक है, जीरो और वन का एक सेट है, ए जीरो और वन का एक सेट है जिसमें वन जोड़ रहे हैं, तो आउटपुट हमेशा वन ही आएगा, इसीलिए इसको यूनियन कहा गया। लॉ ऑफ इंटरसेक्शन देखिए, लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, इसमें पहला तीसरा लॉ है, लॉ थ्री। मान लीजिए आप क्या कर लेते हैं, आप ए में एक से मल्टीप्लाई करते हैं, ए में वन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आउटपुट क्या आएगा, है क्या आएगा, ए में वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, ए ही आएगा, ठीक है, आउटपुट ए आएगा, ठीक, ए इंटू वन इक्वल्स टू ए, ठीक है। चौथा लॉ जो है, अभी हम इसको भी प्रूफ कर देते हैं थोड़ा, लॉ फोर, ए में अगर जीरो से आप एंड करते हैं तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अब इसको थोड़ा सा, अब हम ट्रुथ टेबल के अलावा, जिसको समझ में आ गया है वो तो अच्छी बात है, लेकिन अब हम इसको ट्रुथ टेबल के अलावा थोड़े और स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। स्मार्ट तरीका क्या है, जरा गौर से देखिएगा। बात यह है कि एंड गेट में, ये एंड है ना, एंड ऑपरेशन में, अगर अगर एंड ऑपरेशन में इनपुट जीरो है, कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो होगा, कोई भी एक इनपुट जीरो है तो आउटपुट जीरो होगा। लेकिन एंड ऑपरेशन में आपका इनपुट, अगर एक इनपुट वन है तो दूसरे इनपुट पे डिपेंड करता है कि आउटपुट क्या हो। अगर ये इनपुट वन है तो वन इंटू वन वन आ जाएगा, ये इनपुट जीरो है तो जीरो इंटू वन जीरो हो जाएगा, यानी ए पे डिपेंड कर रहा है, यानी आउटपुट क्या हो गया, आउटपुट ए हो गया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर आपको और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, ये सब इस तरह से भी याद रहे कि इनपुट आउटपुट कैसे वेरी करता है, तो आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो आपको ट्रुथ टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, ट्रुथ टेबल में तो अलग अलग आप देखना पड़ेगा, ऐसे भी आप सोचिएगा तो भी आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, ठीक। और अगर आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन, अगर ढेर सारे क्वेश्चन आपने इसमें ट्राई कर लिया है ना, तो फिर आपका ये क्वेश्चन गलत भी नहीं होगा, ठीक है, धीरे धीरे बस लगाना है, कभी कभी गलत हो जाता है ना। चलिए ये दो हो गए, अब आगे देखते हैं लॉ ऑफ, ये अलग, ये है लॉ ऑफ टॉटोलॉजी, ठीक है। टॉटोलॉजी मतलब असल में जो होता है वो रिपीटेशन होता है, टॉटोलॉजी मतलब रिपीटेशन, ठीक है, मैथमेटिक्स का ही वर्ड है टॉटोलॉजी। अब देखिए इसमें लॉ फोर, लॉ फाइव, यानी कि ए इंटू ए कीजिएगा तो क्या आएगा, ए इंटू ए कीजिएगा तो क्या आएगा, ठीक। इसको आइए सोचते हैं क्या होगा, जीरो इंटू जीरो कीजिएगा तो क्या आएगा, जीरो। वन इंटू वन कीजिएगा तो क्या आएगा, वन, यानी ए जो रहेगा वही आ जाएगा, ठीक। लॉ ऑफ टॉटोलॉजी क्या कहता है, ए इंटू ए ए आता है, ठीक। लॉ सिक्स क्या कहता है, लॉ सिक्स कहता है ए में आप ए को जोड़िए तो क्या आएगा, ए में ए को जोड़ दीजिए, जीरो में जीरो को जोड़िएगा तो जीरो, वन में वन को जोड़िएगा तो वन, यानी ए में ए को जोड़िएगा तो भी आउटपुट वन आएगा। क्लियर है, क्लियर है। चार वैल्यूज, हाँ बता रहे, बता रहे, चार वैल्यूज इसलिए रखते थे क्योंकि हमारे इनपुट दो होता था, अगर दो वेरिएबल है, जीरो और वन, दो वेरिएबल और इनपुट कितना, दो, ए और बी, तो टू टू दी पावर टू, कितना कॉम्बिनेशन बना, चार, इसलिए चार वैल्यूज। अभी इनपुट क्या है, ए ही तो इनपुट है, ए, ए क्या हो सकता है, या तो जीरो या तो वन, दो ही इनपुट हुआ ना। क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए वहां चार हो जाता, ए बी सी होता तो आठ हो जाता, ठीक है। अब देखिए एक है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ क्या क्या रिलेशन फॉलो करता है, ठीक। पहला रिलेशन जो है आपका लॉ ऑफ सेवन हो जाएगा, वो होता है ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को आप जब मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आउटपुट क्या आएगा, जीरो। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, नॉट, नॉट लगा दिया आपने, ठीक है, नॉट लगा दिया, ठीक। ए और ए के कॉम्प्लीमेंट को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आउटपुट क्या आ गया, जीरो। क्यों आ गया, अगर ए वन है तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए बार, ए बार मतलब क्या होता है, नॉट होता है ना, नॉट गेट वाला, तो ए अगर वन है तो ए बार जीरो हो जाएगा, वन जीरो,
अगर जीरो है तो ए बार क्या हो जाएगा, वन, जीरो इंटू वन जीरो, ठीक है। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो। अगला लॉ देखिए, लॉ ए, लॉ ए क्या कहता है, ए में ए कॉम्प्लीमेंट को जोड़ दीजिए तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। आउटपुट क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ये कैसे हुआ, गौर से देखिए, ए अगर जीरो है और तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, वन, जीरो का नॉट गेट लगाइए तो क्या हो जाएगा, जीरो का नॉट वन हो जाता है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, जीरो प्लस वन वन। ए अगर वन है तो ए बार क्या हो जाएगा, जीरो, वन प्लस जीरो वन, क्लियर है, कॉम्प्लीमेंट। ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार जीरो हो गया, ठीक है, ए इंटू ए बार जीरो हो गया, यानी कि ए अगर जीरो होगा तो ए बार क्या हो जाएगा, वन, तो जीरो इंटू वन क्या होगा, जीरो, और ए अगर वन हो गया तो ए बार क्या हो जाएगा, जीरो, वन इंटू जीरो जीरो, ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से ए इंटू ए बार, जीरो में एक जोड़ दीजिए तो भी वन, और वन में जीरो जोड़िएगा तो भी वन, ठीक है। अगर ए जीरो है तो ए बार क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक। ये दो है और एक और है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइव, मतलब वो नंबरिंग वाला छोड़ दीजिए, लॉ नाइन क्या कहता है आपका, अगर ए पर आप दो बार नॉट गेट लगा दीजिए, ए का दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ए का दो बार कॉम्प्लीमेंट ले लीजिएगा तो वो ए के ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए, इसको भी देखना बहुत आसान है, ए अगर आपने जीरो लिया था तो ए बार क्या हो जाएगा, फिर ए बार का बार क्या हो जाएगा, जीरो, ए और ए डबल बार, ए वन लिया था तो ए बार जीरो, ए बार का बार फिर वन, ठीक है, सच इजी आसान है। अब देखिए, क्या हो जाए ऐसा, अगर ए बार इंटू ए बार भी तो ऐसा ही ना, अगर ऐसा ही है ए बार इंटू ए बार तो वो लॉ फाइव हो जाएगा। देखिए ए बार भी तो कोई नंबर ही है भैया, ए बार इंटू ए बार कितना आएगा, ए बार, ठीक है, ए बार लॉ ऑफ टॉटोलॉजी आ गया। आप चाहे यहाँ ए लिखिए चाहे ए बार लिखिए, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ए बार प्लस ए बार इक्वल्स टू ए बार, अरे यहाँ बी लिखिए, बी प्लस बी इक्वल्स टू बी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए आप, समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है। आप चलिए देखिए, इतने इजी इजी हैं सब, एकदम आसान है। अब क्या पढ़ते हैं हम लोग, लॉ ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है, लॉ ऑफ टॉटोलॉजी हो गया, अब लॉ ऑफ कम्यूटेशन पढ़ते हैं हम लोग। कम्यूटेशन क्या होता है, लॉ ऑफ कम्यूटेशन बोलता है कि आप लॉ दस हो जाए, ए में बी को जोड़िए या बी में ए को जोड़िए, बात बराबर है, ठीक है, आप जीरो में वन जोड़िए या वन में जीरो जोड़िए, बात बराबर है। और लॉ इलेवन कहता है कि आप ए में बी का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बी में ए का मल्टीप्लीकेशन कीजिए, बात बराबर है, ठीक। तो ये कम्यूटेटिव लॉ है आपका, लॉ ऑफ कम्यूटेशन भी फॉलो करता है, ठीक है। अगला क्या है, अगला है लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, कुछ नया नहीं पढ़ाएंगे, बस आपको अवगत करा देंगे कि कैसे हुआ, ठीक है, बस आपको अवगत करा देंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन लगवा देंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीज़ आप पढ़ेंगे। लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ए इंटू लॉ ट्वेल्व, ए इंटू बी प्लस सी इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं ए बी प्लस ए सी, क्लियर है। उल्टा भी देखिएगा, उल्टा भी होता है, अगर ए बी प्लस ए सी कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, क्लियर है। ए बी प्लस ए सी कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको ए इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक। इसी से एक और लॉ आता है, ये लॉ क्या आता है देखिएगा, इसको प्रूफ करना है, देखिएगा, एक लॉ है ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी, ठीक है, ये एक लॉ है, लॉ नहीं है, ये इसका एप्लीकेशन है, इसी का एप्लीकेशन है, जो पीछे आपने पढ़ा है इन सबका एप्लीकेशन है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी सी। आइए लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, एल एच एस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, ठीक, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी क्या हो गया, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी, क्लियर है, सिंपल बस मल्टीप्लाई किए और कुछ नहीं किया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या हुआ, ए इंटू ए लॉ ऑफ टॉटोलॉजी से क्या हो गया, ए, ठीक है। अब देखिए ए सी प्लस बी ए, आप इसको लिख दिए ए इंटू सी प्लस ए इंटू बी, कैसे लिखा, ए इंटू बी, बी इंटू ए, कैसे लिखा, लॉ ऑफ कम्यूटेशन, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख दिया, बी सी, अब देखिए क्या हो गया, ए प्लस ए कॉमन ले लीजिए, देखिए कैसे लिख रहे हैं, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी प्लस सी, आपने लिख दिया ए इंटू बी प्लस सी। अब यहाँ तो सी प्लस बी था, आपने बी प्लस सी कैसे लिखा, इससे कम्यूटेशन, ठीक है।
अब देखिए a इंटू ए, अच्छा ये प्लस बी सी, ठीक। अब देखो क्या है, ए ए दोनों में कॉमन है, आइए जरा हम ए कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, वन प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी। अब बताइए वन प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, वन आएगा, वन, ठीक 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 आपकी बात मान ली भाई वन आएगा, आपने बता दिया मैंने, सुन लिया। वन प्लस बी प्लस सी, आप वन में कुछ भी जोड़िए, आपने पहले ही लॉ पढ़ लिया है, ठीक, कि वन में आप कुछ भी जोड़िएगा, ठीक, लॉ ऑफ यूनियन, वन में आप कुछ भी जोड़िएगा तो क्या आएगा, वन आएगा, देखिए ए आ गया प्लस बी आ गया। ये चीज आपको हमेशा काम आएगी, ठीक है ना, ये चीज आपको हमेशा काम आएगी, ध्यान रखिए, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, किसी को अगर दिक्कत है तो पूछ ले तुरंत ही भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए एक और लॉ है, एक दो लॉ और है, हाँ बताइए, नहीं माइनस नहीं आता, आप दो ही जा पाते हैं, या तो आप एंड गेट पढ़ते हैं या तो आप और गेट पढ़ते हैं, क्या चीज थी धर्मपाल जी, क्या प्लीज हमने सुना नहीं देखा नहीं, रिपीट प्लीज, ये चीज रिपीट कर दें भाई, तो आप लोग क्यों नहीं पहले बोले हैं, आप फिर से बता दिए, आप लोग हेजिटेट कर रहे थे, अगर आप हेजिटेट कीजिएगा हमसे तो आप किसे पूछिएगा माइनस पर, माइनस असल में इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप दो ही जानते हैं, है ना, और गेट या एंड गेट, ठीक। इसके अलावा अगर माइनस ऑपरेशन करना रहता है, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन करना रहता है, तो आप उसको क्या पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, और पढ़ते हैं, इनटू को एंड पढ़ते हैं, तो हम इसको ऐसे थोड़े पढ़ेंगे ए एंड ए और ए एंड सी और बी एंड ए, ऐसे वो समझने के लिए हाँ मन में पढ़ना है, आप ऐसे पढ़िए मत इसको, ठीक है। हाँ हाँ बुलियन रिंग में है, बुलियन रिंग में है ये सारे रूल, है ना, आप जीरो और वन वाला एक क्वेश्चन ट्राई सर अगर पढ़ाए होंगे तो सॉल्व भी कराए होंगे, सिर्फ जीरो और वन रहता है उसमें, सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब इसको पढ़िएगा ए वन प्लस बी प्लस सी और बी सी, देखिए क्या हुआ, इसको तो हमने सिंपली एलएचएस लेके मल्टीप्लाई कर लिया, ए इंटू ए प्लस ए इंटू सी प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू सी। अब ए इंटू ए क्या होता है, ए होता है लॉ ऑफ टॉटोलॉजी, ए इंटू सी को लिख लिया, बी इंटू ए को ए इंटू बी भी लिख सकते हैं कम्प्यूटेशन से, बी इंटू सी लिख लिया, ठीक। अब ए इंटू ए हो गया है, ए बी प्लस ए बी हो गया, इसमें से ए कॉमन है, ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, ए इंटू बी प्लस सी, ये कैसे लिख दिया, कम्यूटेटिव लॉ से, यहाँ प्लस बी सी हो गया। अब ए कॉमन ले लिया तो क्या आ गया यहाँ पर, वन प्लस बी सी, वन प्लस बी सी। एक और रूल आपको पढ़ाया है, पढ़ाया क्या है, ए प्लस वन क्या होता है, वन होता है, और ए प्लस जीरो क्या होता है, ए प्लस जीरो क्या होता है, ए, पहला ही रूल पढ़ाया है, लॉ ऑफ यूनियन है ना, तो किसी भी नंबर में आप वन जोड़ दीजिएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वन, तो किसी भी नंबर में आप वन जोड़ दीजिएगा तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वन, ठीक, क्लियर है। इसीलिए क्या हो गया, ए इंटू वन प्लस बी सी, ए इंटू वन क्या होता है, ए इंटू वन क्या होता है, ए होता है, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, यही आ रहा है, अभी क्लियर हो गया धर्मपाल जी, ठीक है। अब देखिए एक है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन, ठीक है, लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन देखना बहुत जबरदस्त है, इसमें भी दो लॉज है, एक लॉ है जो वो क्या कहता है, ए इंटू ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, ए इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए होता है, आइए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक। अब देखिए इसके बाद लॉज नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन ऑब्जॉर्प्शन ये सब लॉ नहीं है, इसके बाद जितने लॉज है ना ये सारे एब्जॉर्प्शन और लॉ नहीं है, ये सारा है एक एप्लीकेशन है, इसको लॉ में लिख दिया गया तो लॉ में चल रहा है, ठीक है, ये सारा एप्लीकेशन है इसका, गौर से देखिएगा, म्यूट हो जाइए, आवाज आपकी क्लियर नहीं है, पहले से ए इंटू ए प्लस बी, एरिया इसको लिखिएगा आप क्या, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी, ए ए प्लस ए बी क्या हो जाएगा, ए वन प्लस बी, और वन प्लस बी क्या हो जाएगा, वन, यानी क्या आ जाएगा, ए इंटू वन, गौर से देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत, तो ये जो है आपका, ये है लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन के ही बेसिस पे हम लोग कुछ सवाल लगाते जाते हैं, ठीक है, और आपको दिखाते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन्स लॉ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजी है, ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं कुछ और सवाल हाँ हाँ उसी तरह लिखा है, ए इंटू ए बार प्लस बी, अगला क्वेश्चन है ए इंटू ए बार प्लस बी, लॉ ये एक तरीका, ये किसके बराबर आएगा, आपके ए बी के बराबर, आइए इसको प्रूफ करते हैं, गौर से देखिएगा, आप एलएचएस ले लीजिए, एलएचएस ले लिया, क्या आया, ए इंटू ए बार प्लस बी, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी, ए इंटू ए बार क्या आ जाएगा, ए इंटू ए बार क्या आ जाएगा, फटाक से बोलिए, ए इंटू ए बार, ठीक 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 हो गया,
कितना आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी प्लस बी बार। ठीक, एक क्वेश्चन है, देखिएगा, ए बी प्लस बी बार इज इक्वल टू ए बी, ए प्लस बी बार, ए प्लस आइए इसको यूज कर लीजिए भाई, यूज कर लीजिए। देखिए ए बी प्लस बी बार इज इक्वल टू ए प्लस बी बार, देखिएगा ध्यान से, आप क्या लिख सकते हैं, एल एच एस ले लीजिए, आप एल एच एस लेकर लिखिए, ए बी प्लस बी बार लिख लिया। अब आप बी बार को आप क्या लिख सकते हैं, बी बार में आपको कुछ करना है, और से देखिएगा क्वेश्चन की समझ है, आप लिखिए ए बी प्लस बी बार ब्रैकेट में वन प्लस ए, लिख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पर ट्विस्ट है, यहीं से आपको नए क्वेश्चंस कैसे बनेंगे आपको समझ में आएगा। देखिए बी बार को आप क्या लिख सकते हैं, बी बार इंटू वन प्लस ए, क्योंकि वन प्लस ए क्या होगा, वन, और बी बार में वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ होगा ना, क्लियर है। आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी बार, और बी बार को लिख सकते हैं बी बार इंटू वन प्लस ए, इसको फिर से आप बताइए सॉल्व कीजिए, ए बी प्लस बी बार प्लस बी बार ए, क्लियर हो गया। अब देखिए इसको ए बी प्लस बी बार ए, बी बार को आप ए बार भी लिख सकते हैं, वहां से ए कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी बार प्लस बी बार। अब बताइए बी प्लस बी बार क्या होगा, बी प्लस बी बार क्या होगा, वन होगा, बहुत अच्छे, बी प्लस बी बार होगा वन, ए प्लस बी बार ए प्लस बी बार, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। अब देखिए इस सवाल से क्या आपको समझ में आया, इस सवाल से आपको समझ में आया कि जब आप रुक जाइए, जैसे ए बी प्लस बी बार, जब रुक जाइए आप, तो आप देखिए कि क्या आपको प्रूफ करना है ना, आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें वन की जगह पर कुछ एड सब्ट्रैक्ट करना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे बी बार की जगह हमने क्या लिख दिया, बी बार इंटू वन, ये क्या था, बी बार इंटू वन, एक्जेक्टली, तो वन को क्या लिख दिया, वन प्लस ए, ये छोटा सा ट्विस्ट आता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, अगला इसी का जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि ए बी बार प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, ए बी बार प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, आशा है आप लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा, एल एच एल आप ले लीजिए, ए बी बार प्लस बी इज इक्वल टू बी इंटू वन कर दीजिए, आप लिख दीजिएगा इसको ए बी बार प्लस बी वन प्लस ए, क्या लिख दीजिएगा, ए बी बार प्लस बी प्लस बी, फिर से यहाँ यहाँ दोनों टर्म ए के हैं, आपने ए ले लिया, आ गया बी बार प्लस बी प्लस बी, बी बार प्लस बी वन आ जाएगा आपका ए प्लस बी, क्लियर है। ठीक, देखिए अगर आप ऐसा लिख देते हैं, अगर आप लिख देते हैं और आप एक एक चीज, जैसे हम भी कुछ मिस कर दे रहे हैं, जैसे आप अगर b प्लस बी बार इज इक्वल टू वन जान रहे हैं तो आप डायरेक्ट a प्लस बी बार लिख दीजिए, है ना, लेकिन आप अगर एग्जाम में लिख रहे हैं, आपके पास समय है, तो लिखने में क्या जाता है, आप इसको लिखिए, ये चीज आप वन प्लस ए इंट्रोड्यूस किए तो आप यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिए, फिर वन प्लस ए इज इक्वल टू वन, ठीक है, आप इसको इसको आप a प्लस बी बार प्लस ए बी बार कर दीजिए इसको, ठीक है, आप इसको यहाँ चेंज कर दीजिए, लिखना लिख भी सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, वो तो आप कैसे नहीं याद रहेगा, ए बी को बी ए लिखते हैं, ये कौन सा लॉ है, ये कम्यूटेटिव खत्म बात है, ए प्लस वन इज इक्वल टू वन होता है, यूनियन लॉ है, ए इंटू वन इज इक्वल टू वन होता है, इंटरसेक्शन लॉ है, चार ही पांच तो लॉ है यार, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव कोई लॉ थोड़े है, वो तो आपको पैदा होते ही पता चल गया होगा सब कुछ, कम्यूटेटिव एसोसिएटिव इतना आसान लॉ है, यूनियन इंटरसेक्शन नया नया आया है, क्या है उसमें, उसको देख लीजिए, आप देख सकते हैं, आपकी कॉपी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इसका जान है, इस चैप्टर की जान है, है ना, मतलब दो जान है, दिल दिमाग वाला है, ये इसका दिमाग है, इस चैप्टर का दिमाग है, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका है, आइए देखते हैं ये जादुई लॉ क्या है और क्या कहता है। ठीक है, क्या डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, डी मॉर्गन का सिद्धांत, ठीक, कभी कभी ये डी मॉर्गन थ्योरम भी होता है, थ्योरम, ठीक, आइए, डी मॉर्गन ने दो थ्योरम दिया था, पहला थ्योरम था कि अगर ऐसे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल बार, तो आप इसको लिख दीजिए ए बार इंटू बी बार, ठीक है, दूसरा दिया था कि अगर लिखा हुआ है ए इंटू बी का होल बार, तो आप उसको लिख दीजिए ए बार प्लस बी, ठीक है, इस थ्योरम का आप स्टेटमेंट पढ़िएगा तो क्या लिखा रहेगा, इस स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट लिखा रहेगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू नंबर्स, समझ आएगा, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ टू नंबर, ठीक, ऐसे इसको भी क्या पढ़ेंगे, लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉट भाई, नॉट,
ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, ए बार, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो। ए भाई जनर केस बोल दी, क्लियर है, ए बार ही तो है ना। अब देखिए इसको क्या स्टेटमेंट में लिखना है, इसको स्टेटमेंट में लिखना है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, ठीक है, ओके, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच नंबर, ठीक है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच नंबर, आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो लॉज है, अब इन दो लॉज को कैसे लिखा गया इसको प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए हम ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे, ठीक है, इसको प्रूव करने के लिए ट्रूथ टेबल का यूज करेंगे। आइए टाइम कैसे हो गया है ना, फिर भी ट्रूथ टेबल बना देते हैं उसके बाद क्या हुआ, वाइस वर्सा, हाँ हाँ बिल्कुल वाइस वर्सा की तरह भी यूज कर सकते हैं, इक्वल्स टू का साइन ना हो आप किसी को कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे, हमको चाहिए ए बी, ए प्लस बी बार ऐसे चाहिए, हम क्या लिख देते हैं, पहले ए लिख देते हैं, बी लिख देते हैं, ए बार बी बार ए प्लस बी, ए बार इंटू बी बार, ए पहले लिख देते हैं ए प्लस बी का होल बार, और फिर लिख देते हैं ए बार इंटू बी बार, आइए बना देते हैं। चलिए देखिए देखिए आपने क्या लिखा, ए बी ए बार बी बार ए प्लस बी, ए प्लस बी बार, यह हो गया ए प्लस बी बार, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, ये दोनों को कंपेयर करना है, ठीक। म्यूट कर लीजिए, जीरो 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 वन वन जीरो वन, यही चार पॉसिबल इनपुट्स, ए का बार क्या आएगा, ए का बार आएगा वन वन जीरो जीरो, बी का बार क्या आएगा वन जीरो वन जीरो, है ना, और ए प्लस बी क्या आएगा, ए प्लस बी आता है जीरो वन वन वन, इसलिए ए प्लस बी का बार क्या आएगा, ए प्लस बी का बार इसका जस्ट कॉम्प्लीमेंट आएगा वन जीरो जीरो जीरो, ठीक। और a इंटू बी, ए बार इंटू बी बार, ए बार इंटू बी बार, देखिए ए बार इंटू बी बार, वन इंटू वन वन, वन इंटू जीरो जीरो, जीरो इंटू वन जीरो, जीरो इंटू जीरो जीरो, देखिए ए प्लस बी का बार ए बार बी बार के बराबर आ गया, प्रूफ हो गया, क्लियर है एकदम क्लियर है सर, साथ आप इसको भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे होगा, आप बस इसको हटा दीजिए, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ ऑफ टू टेबल्स दिखा दें, अब क्या आपको चाहिए, अब आपको चाहिए ए बार प्लस बी बार और एक चाहिए ए इंटू बी का होल बार, ठीक है। तो आप क्या लीजिए, ए बार बी बार निकाल दिया, अब आप कर दीजिए ए इंटू बी और ए इंटू बी का होल बार, और यहाँ कर दीजिए ए बार प्लस, ठीक है, ये प्रूफ कर रहे हैं, तब से चिल्ला रहे हैं हम, बोनस है बोनस है बोनस है चैप्टर, देखिए ए इंटू बी, ए इंटू बी की जगह तो आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आता है जीरो 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 वन, तो ए इंटू बी का बार की जगह तो आउटपुट क्या आएगा वन 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 जीरो, ठीक है, और ए बार प्लस बी बार की जगह तो आउटपुट क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, वन प्लस वन वन, वन प्लस जीरो वन, जीरो प्लस वन वन, जीरो प्लस जीरो जीरो, ए बार ए इंटू बी का होल बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, प्रूफ हो गया। यही डी मॉर्गन के दो लॉज हैं जो आपको बहुत मदद करने वाले हैं आगे भविष्य में, क्लियर है, यस सर क्लियर है, आगे बढ़े। अब देखिए इन्हीं सारी चीजों पर बेस हम लोग एक आध दो न्यूमेरिकल देखते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, एक आध दो प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक, जहाँ न्यूमेरिक्स आते हैं उनको न्यूमेरिकल्स कहते हैं, एक आध दो प्रॉब्लम देखेंगे। आइए सबसे पहले प्रॉब्लम लिखते हैं, प्रॉब्लम यह है कि आपको प्रूफ करना है c इंटू बी प्लस सी, प्रूफ दैट, प्रूफ दैट c इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू सी, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। आइए हम लिखते हैं इसका लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे हम c इंटू बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सबसे आसान हमको यही लग रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या आएगा, सी इंटू बी सी, क्या जाएगा सी बी, सी बी आएगा चाहे बी सी आएगा, बी सी लिख देते हैं, प्लस आएगा सी इंटू सी, ठीक है, और इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आएगा बी सी इंटू ए, तो इसको हम लिख देते हैं ए बी सी, ठीक है, एग्जाम में आएगा तो आप चाहे बड़ा लिखें चाहे छोटा लिखें जैसी आपकी इच्छा, ए बी सी प्लस बी सी इंटू बी, तो आप लिखिए बी इंटू बी इंटू सी, फिर बी सी इंटू सी तो आ गया बी इंटू सी इंटू सी, फिर आप सी सी, सी सी की वैल्यू क्या आएगी, सी इंटू सी इंटू ए, ऐसे लिख देते हैं पहले, सी इंटू सी इंटू ए प्लस सी इंटू सी इंटू बी प्लस सी इंटू सी इंटू सी, बस सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या हो गया, ए बी सी तो ए बी सी ही है, ए बी सी ही है, ये बी बी सी क्या हो गया, बी इंटू बी क्या हो गया वन, ठीक, बी इंटू बी क्या हो गया वन, तो बी इंटू बी, नहीं बी इंटू बी क्या हो गया, बी इंटू बी, सॉरी बी इंटू बी क्या हो गया, बी हो गया, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, बी इंटू बी बी हो जाएगा, तो आप इसको लिख दीजिएगा बी सी,
ठीक है। अब सी इंटू सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब सी इंटू सी क्या हो जाएगा, सी। ठीक, तो आप क्या लिख सकते हैं इसको, बी सी प्लस सी ए प्लस सी बी प्लस सी, दिख रहा है, क्लियर है ये लाइन, क्लियर है यस सर, क्लियर सर। ये लाइन। क्लियर होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन क्लियर होने के बाद दिमाग ही नहीं लगाना है, आपको देखना है यहाँ आंसर क्या दिखाना है, सी। यहाँ देखिए सी है, यहाँ सी है, सी है, सी है, सी है, सी है, हम सी को कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस वन, हो गया कमाल, दिख गया, ये पूरा मिलके क्या हो जाएगा, वन, आंसर क्या आ जाएगा, सी। क्लियर है? वो भी होगा ना, सी के यस सर, लास्ट में बाद भी होगा ना सर, थ्री कौन की लास्ट में। अरे भैया भाई एकदम पहले भाई भाई, वन सी के इनटू पहले। सी हाँ इनटू सी, सही है, क्लियर सर। एक बार देख लीजिए ध्यान से, फिर आगे बढ़े। सर बी रहेगा, अब और भी मत सॉल्व हो सकता था, बी प्लस सी, क्लियर है? किसको किसको नहीं समझ में आया, क्योंकि बहुत सारे, क्लियर है, क्लियर है, तुम्हें जी क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बहुत आसान है, ऑल डन, ओके। सर मेरा आइडिया कैसा है, आइडिया आपका हम पढ़े नहीं, आपका आइडिया, ए प्लस बी प्लस वन, ए प्लस बी प्लस वन, कहाँ क्या होगा, कुछ नहीं होगा, हमको ये सबसे मतलब ही नहीं है, हमको मतलब है इससे, वन से लास्ट में बन आ गया, बात करता हूँ, ठीक है, सॉरी जिसने बताया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट में सभी समझ चिल्ला रहे थे, हमको समझ नहीं आते बच्चे, हम भी बालक हैं, छोटे से माफ कर लीजिए। आगे चलिए देख लीजिए एक और सवाल, आपका आइडिया हमको, आपका आइडिया हमको दिखाई नहीं, अब आपका आइडिया देख लेते हैं भाई, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आप बहुत देर से अपना आइडिया बता रहे हैं कुछ, बी प्लस सी इक्वल्स टू वन, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, टोटल सी आ जाएगा, ये सही है, नहीं, बी प्लस सी इक्वल्स टू वन कैसे होगा, और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू वन कैसे हो जाएगा, कैसे कैसे हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा ऐसा, है ना, ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक सेट नहीं है, ए बी सी का सेट नहीं है कि बी प्लस सी इक्वल्स टू वन हो जाए, बी प्लस सी कुछ भी हो सकता है, अगर बी की वैल्यू जीरो हो गई और सी की वैल्यू जीरो हो गई तो बी प्लस सी क्या होगा, जीरो, है ना, दिस इज नॉट आइडिया। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल है, देखिए है ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक, इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी इज इक्वल्स टू, आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी बार, ठीक है, आइए प्रूफ करते हैं, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल्स टू ए प्लस बी बार प्लस सी बार इंटू ए प्लस बी बार प्लस सी, मल्टीप्लाई करते हैं, ए का पहले सब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए इंटू ए प्लस ए इंटू बी बार प्लस ए इंटू सी, ठीक है, सुंदर लिखते थोड़ा, हाँ, अब देखिए बी बार का मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा बी बार इंटू ए प्लस बी बार इंटू बी बार प्लस बी बार इंटू सी, फिर सी बार का मल्टीप्लाई करते हैं तो सी बार इंटू ए प्लस सी बार इंटू बी बार प्लस सी बार इंटू सी, ठीक है, सी बार इंटू सी हमने नॉर्मली मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए क्या हो जाएगा, ए इंटू ए आ जाएगा ए प्लस ए बी बार प्लस बी बार ए, ठीक है, बी बार ये है, ए बी बार ये भी लिखा है, ए बी बार ये भी, हाँ ए बी बार ये भी लिखा है, ए बी बार ये भी लिखा है, ठीक, तो ये हो जाएगा ए बी बार प्लस ए सी, देखिए यहाँ लिखा है ए सी, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी बार इंटू बी बार, सेम है टॉटोलॉजी से क्या आएगा, बी बार प्लस बी बार सी, ठीक है, बी बार सी है तो आप इसको बी बार सी लिख दीजिए, और क्या है, ए सी बार है, ये ए सी बार है प्लस है बी बार सी बार, ठीक, और क्या है, सी बार सी, अब देखिए सी बार सी जो है, सी बार सी देखिए कॉम्प्लीमेंट से क्या आएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो, ठीक, तो ये हटा देते हैं, ठीक, ये बच गया आपका, हमने बस ऐसे लिख दिया है, ठीक, अब देखिए क्या हो गया, ए और बी बार, यहाँ देखिए बी बार यहाँ, अब जितना ए वाला टर्म है, ए ए ए ए जहाँ तो ए वाला टर्म है सारा टर्म लिख लीजिए, कॉमन ले लीजिए, ए छोड़िए पहले लिख लेते हैं, ए प्लस ए बी बार प्लस ए सी प्लस ए सी बार, ठीक, और बी बार वाला सारा टर्म एक करो, प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार, खत्म है कहानी, ठीक है, ए कॉमन ले लीजिए इसमें से, क्या आ जाएगा, वन प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस बी बार वन प्लस सी बार, पता साहब, ए प्लस ओ बार, कथा समाप्त, खत्म खत्म खत्म, खलास, आसान सर, हाँ बताइए सर, सर जैसे कि आप लिखे ना वो ए प्लस बी बार प्लस सी बार, इन सबको ये सब करने के बाद पूरा होल बार रहता कैसे होगा, होल बार वाला बता रहे हैं ना हम, है
रिम साहब बता रहे हैं, ठीक है अभी तो ये बार आपका। ऊपर बार पर, जैसे कि वो सिंगल सिंगल बार लगाए थे उसके ऊपर से वो हाँ बार हाँ है हाँ तो बता रहे हैं, बताएंगे ठीक है। अब पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी जी, अभी तो आसान आसान वाला भी छुआ रहे हैं धीरे धीरे, अभी एक दो और। मॉर्गन थ्योरम के ऊपर। हाँ, डी मॉर्गन थ्योरम के ऊपर ही कराएंगे अभी, कर ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वाला डी मॉर्गन पे ही है, ठीक। हमारे सर जब उनको पढ़ाए तो कहे कि हमारे में 120 120 बच्चे बैठते थे, एकदम दिक्कत रहते थे, और सर की क्लास एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, तो सर पढ़ाए किसी बच्चे को समझ में नहीं आता था, पीछे वालों को तो और नहीं समझ में आता था, आगे वालों को कुछ आ भी जाता था, सीएस वालों को और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को ज्यादा समझ में आ जाता था, हम लोग को एकदम नहीं। तो सर कहे ऐसा है, अगर घर पे समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एग्जाम में जब प्रूफ करने वाला आता है तो तुम लोग को आदत है, प्रूफ तो खरीदोगे, लास्ट में कुछ ना कुछ करके आ जाना, इसको कुछ नहीं मिलेगा, मान लो आंसर लास्ट में सी लाना है तो कुछ मत करना, लिख देना ए बी प्लस ए बार प्लस बी बार प्लस वन इंटू सी, आंसर तुम्हारा आ जाएगा लास्ट में सी, पास हो मैंने हाई जाओगे। स्कूल अटेंड किया है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं बताएंगे, हम कह रहे हैं कि आपको करते करते आदत हो जाएगी, बहुत आसान है, आराम से कर लीजिए, क्योंकि आप 120 बच्चे नहीं, एक एक बच्चे, हम बैक बेंचर नहीं थे, हम फ्रंट पे बैठते थे, लेकिन कभी कभी क्लास में एकदम पीछे हो जाते थे, हम एकदम फ्रंट पे बैठते थे। आप ऐसा ना कीजिएगा, ठीक, मेरी बेइज्जती ना कराइएगा, हमको कॉन्फिडेंस है, हम एक एक बच्चे से इंडिविजुअल कर रहे हैं, ठीक है, हमारी तरह आप नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक। अब देखिए एक छोटा सा सवाल करते हैं, जितना टाइम है उतने में हो जाएगा, एक छोटा सा सवाल करते हैं। सवाल है, एक पूरा बार लगा दीजिए, फिर ब्रैकेट में लिखा है ए इंटू बी बार का होल इंटू बी इंटू के। अरे उस समय बच्चों को पढ़ाना कितना कठिन होता है, इस समय जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ऑफलाइन उनको दिक्कत होगी, आप तो घर में पंखे के नीचे बैठ कर पढ़ सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं एक से, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं उनको कितनी दिक्कत होती है तो आप पिछले साल देख ही लिए, तो वहाँ सर भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं सर भी, कैसे इन लोग को समझाएं कैसे बताएं। एलएचएस ले लेते हैं, देखिए होल बार है, लिख दिया ए इंटू बी बार का होल बार इंटू बी इंटू ए बार का होल बार। अब आपको सावधानी क्या बरतनी है, आपको सावधानी ब्रैकेट वाला रूल अपनाना है, ठीक है। ब्रैकेट वाला रूल क्या होता है कि जो बार आपका पहले है उसको आप पहले सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, ये नहीं कि पहले यही खोल दीजिए, ऐसा नहीं करना है आपको, आपको एक एक ब्रैकेट सॉल्व करते जाना है, ठीक ठीक है। टाइम की बचत भी बहुत होती है भैया, टाइम पोल्यूशन, आपको प्यास से 6 घंटा पढ़िए और पानी खत्म हो जाता था कोचिंग है ना। चलिए देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, हम क्या कर दिए, पहले ये ब्रैकेट देख लिए, ये ब्रैकेट में क्या है आपका ए इंटू बी बार का होल बार, इसको हम लिख दें अगर ए प्लस ए बार प्लस बी बार का बार, किसी को कोई दिक्कत, ए इंटू बी बार का होल बार, ए बार प्लस बी बार का बार, कोई प्रॉब्लम, लिख दीजिए ए बार प्लस बी बार का होल बार इंटू, इसको इसी तरह से क्या लिख सकते हैं, बी बार प्लस ए बार का बार, ठीक। अब देखिए ये दोनों सॉल्व हो गया ब्रैकेट, ठीक। अब इसको क्या लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं ब्रैकेट में ए बार प्लस बी इंटू इंटू बी बार प्लस ए, देखिए बी बार का बार क्या हो जाएगा, बी ए बार का बार ए हो जाएगा। अब फिर इस ब्रैकेट को तोड़िए, इस ब्रैकेट को तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, ये ए है ये बी, ये ए है ये बी है, तो आप क्या हो जाएगा ए इंटू बी, आप क्या लिख सकते हैं ए बार प्लस बी बार, ठीक है। आप देखिए इसको लिख दीजिए ए बार प्लस बी बार, अब इसको फिर सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा, इसको फिर से तोड़िएगा तो ये प्लस साइन है, किसमें बदल जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ए बार का बार इंटू बी बार प्लस बी बार का बार इंटू ए बार, ए बार का बार क्या हो जाएगा, ए बार का बार क्या हो जाएगा, ए इंटू बी बार प्लस बी इंटू ए बार, ए बी बार प्लस बी ए बार क्या होता है, ए प्लस बी, ठीक है। तो डिमॉर्गन्स का, डिमॉर्गन्स जो लॉ है उस लॉ को एक लाइन में हम आपको बताते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ में दो बातें हैं, क्या है ये लाइन है ना, तो डिमॉर्गन कहते हैं ब्रेक द लाइन, डिमॉर्गन एक कविता कहते हैं ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, ठीक है। और क्या कहते हैं, कहते हैं यूज ब्रैकेट रूल, ठीक है, आप लाइन तोड़िए साइन बदलिए, आप लाइन तोड़िए, लाइन तोड़िए साइन बदलिए, यहां लाइन तोड़ा साइन बदला, लाइन तोड़ दिया साइन बदल दिया, ठीक है, लाइन तोड़िए साइन बदलिए, लेकिन ब्रैकेट का रूल यूज कीजिए, अंदर से सॉल्व करते जाइए, ठीक है। तो आज आज के लिए इतना ही, अगले टर्न पर हम लोग फिर से मिलेंगे, एक टर्न है, एक टर्न और है, इसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल खत्म हो जाएगा ये आपका चैप्टर, तब तक पढ़ते रहिए।